इस वक्त हम मौजूद है गोपालपुर में और आपको बता दें गोपालपुर तिमारपुर विधानसभा के मुखर्जी नगर में लगता है। यहाँ पर कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक सुलभ शौचालय में पीछे करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरा सुलभ शौचालय है, पीछे झुग्गी बस्ती का एरिया है। यहाँ से काफ़ी तादाद में करीब 150 से 200 बच्चे लगभग यहाँ जो है डेली इनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। बीच में इन्होंने बताया था कि लॉकडाउन के दौरान ये क्लासें कुछ दिन के लिए बंद हुई, लेकिन फिर दोबारा जब ये इनको अब शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कोई संस्था नहीं है, कोई इतनी बड़ी कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई इतना बड़ा NGO नहीं है। ये लोग सिर्फ कुछ ही हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ मित्र हैं आपस में जो इस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। ये लोग खुद भी जो है एक जगह कोचिंग लेते हैं। आप लोग हैं सर, कितने सालों से ये सब चल रहा है आपका और क्या क्या उद्देश्य है, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अमित कुमार। देखिए जैसे कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं और उस ज्ञान को हम अगर अपने समाज को दें तभी उस ज्ञान का सफलतापूर्वक हमें मतलब कि उसका इस्तेमाल नज़र आता है। और अगर देखा जाए तो ये पिछले विगत 6 सालों से चल रहा है। आज हमारे इस बाल संस्कार शाला का पूरा 6 साल हो चुका है और ये सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह चला रहे हैं हम लोग, विभिन्न अलग अलग दिल्ली में तरीके से। और जितने भी यहाँ पे भाई लोग आते हैं ये सभी लोग अलग अलग क्षेत्र में तैयारी करने वाले हैं, जैसे UPSC हो गए, SSC हो गए, तैयारी करने वाले सभी लोग रहते हैं। और ये अपना मूल्यवान समय बच्चों के बीच में आके देते हैं ताकि इस समाज को एक अलग मुकाम तक पहुंचा सके। और देखा जाए तो ये अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जगह पे चलती है। ये तिमारपुर में है जहाँ पे टीचर्स कॉलोनी है वहाँ पे चलती है, गांधी विहार CNG पंप के पास चलती है, दूसरा है निरंकारी गुरुद्वारा के पास, ठीक है, वजीराबाद डाइवर्सिटी पार्क है वहाँ, फिर हमारा मजलिस पार्क में चलता है। तो ये जो बाल संस्कार शाला है अलग अलग भाइयों के द्वारा चलाए जा रही हैं। अमित जी, ये कितने शुरू में कितने लोग थे जब आप लोगों ने शुरू किया होगा और कितनी परेशानी रही होगी, जगह को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें आई होंगी आपको? जैसे कि देखिए, मैं अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले ये जो आप बाल संस्कार शाला देख रहे हैं, श्रीराम बाल संस्कार शाला, इसी का शुरुआत हुआ था सबसे पहले 6 साल पहले। तो जगह के लेकर के जैसे यहाँ पे हम सभी आए थे और तो लोग यहाँ के जब देखे कि आप क्या करने आए हैं, इतने लोग हैं, तो रखा गया प्रस्ताव कि हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हमें जगह की ज़रूरत है। तो क्योंकि देखा जाए तो यहाँ एक झुग्गी है तो जगह का अभाव है, तो उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आप पेड़ के नीचे पढ़ा सकते हैं जो कि खाली जगह है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेड़ के नीचे शुरू किया आप लोगों ने? हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे। यहाँ पर कैसे आना? यहाँ पे देखा जाए शौचालय में किस तरीके से? शौचालय में देखिए, इसका कहानी यही है कि लॉकडाउन हुआ बीच में और लॉकडाउन होने के कारण कंस्ट्रक्शन चलने लगे बगल में, तो उसके कारण हमें शिफ्ट करना पड़ा और कह सकते हैं अच्छी जगह पे हम शिफ्ट किए ताकि यहाँ पे बच्चे को थोड़ा धूप भी कम लगता है और धूल वगैरह भी कम उड़ता है। और इस यही है कहानी यहाँ शिफ्ट होने का। कुछ और भी सर, कितने समय से चल रहा है आप लोग भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बस आप लोग, मैं पूछना चाहूँगा आप लोग खुद क्या करते हैं और किस तरीके से जो समय निकालते हैं? हम सभी यहाँ जितने भी भाई लोग हैं सब यहाँ UPSC की तैयारी करते हैं और मुखर्जी नगर और नेहरू विहार में जितने कोचिंग हैं वहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं और उसके साथ एक समय निकाल कर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। पिछले 6 वर्षों से निरंतर गोपालपुर बाल संस्कार शाला में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और ये हम सबका उम्मीद है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम देश को बदल सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में एक दे सकते हैं, अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कि मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली ऐसा मानना है कि इन्हीं में से एक ऐसा शोषित और वंचित बच्चा एक समय ऐसा था जो एक बड़े हो के शिक्षा प्राप्त करके भारत का संविधान लिख दिया। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये वही बच्चे हैं, इनके अंदर असीम संभावनाएं हैं, बस उनको एक निखारने की। तो कहीं ऐसा है कि जो हीरे की हीरा हर कोई है लेकिन उनको जरूरत है ना, उनमें जो जौहरी को पहचानने वाली जो बात है वो, ये जितने भाई लोग हैं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब मिलकर जौहरी का काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं हर जगह कहता हूं कि देश में चंद्रगुप्त बहुत है लेकिन चाणक्य की कमी है,
तो ये हमारे सब भाई लोग ना वो चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं, और आसपास के जो शोषण वंचित जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं उन सबको चंद्रगुप्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम पिछले 6 वर्षों से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, मैं खुद पिछले 3 वर्षों से यहाँ आता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। अभी बीच में हम लोग बीच बीच में कोई अच्छा कार्यक्रम करते रहते हैं, मोटिवेशन कार्यक्रम करते रहते हैं और लोगों को बुलाते रहते हैं। तो इस बच्चों में धीरे धीरे विकास हो रहा है, और वो जो 6 साल पहले जो बीज हम लोगों ने बोया था, हमारे सीनियर भैया लोगों ने बोया था, वो एक पौधा के रूप में आज बन के तैयार हो गया है, उसमें काफी गुणों का विकास हो गया है। अब अगर सुचारू रूप से हम इनमें खाद और पानी देने का काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आगे ये पौधा जब पेड़ बनेगा तो इस पूरे देश को छाया देगा, फल देगा, जिससे पूरा देश फलीभूत होगा। भैया क्या नाम है आप? मेरा नाम देवेंद्र सिंह। यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, इसमें समय किस तरीके से निकालते हैं? पढ़ने की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने के लिए तो समय निकल ही जाता है। एक मन की जो भावना होती है कि कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा नेक काम करें, सिविल सर्विसेज में हमारा खुद वहाँ पे 18-18 घंटे पढ़ने के बाद क्या होता है, इस टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि हर संडे या दिन में 2-3 घंटे अगर कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा सा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी पढ़ेंगे, बच्चे भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में इनका उज्ज्वल भविष्य होगा। एक नारा भी है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो उसी हिसाब से हम अपना टाइम मैनेज करके यहाँ बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले बच्चे हैं, अमित जी आपसे दोबारा प्रश्न है, झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले बच्चे हैं, वो इस तरीके के लोग भी मिलते होंगे आपको, क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्शन भी कुछ लोग लगाते होंगे, ऐसा हुआ होगा कभी? बहुत सारे लोग मिलते हैं, जैसे कि वो सवाल ही करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इनका क्या भविष्य होगा अगर ये तो झुग्गी झोपड़ी में है, इनका यही जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम सभी यही अगर सोच सके चलेंगे तो कैसे बदलाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें कदम उठाना होगा ना बदलाव करने के लिए। अगर हम इस 150 बच्चे में से अगर एक बच्चा भी सफल हो गया आने वाले 10 सालों के बाद, तो वो हमारा मेहनत माना जाए कि वो रंग लाया। और जो वो बातें बोलते हैं उनके मुंह पे एक तमाचा कह सकते हैं, और उनके अंदर भी खुद बदलाव आएगा ये चीज देख करके कि नहीं अगर उन्होंने मेहनत किया तो उसका फल सामने दिख रहा है। देखिए मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, बच्चे जो हैं यहाँ पर लगातार इनके पास आते हैं। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लॉकडाउन के दौरान क्लासेज जो बंद हो गई थी, स्कूल भी बंद हो गए थे, अब इन लोगों ने दोबारा से क्लासेज शुरू की हैं, बच्चे आते हैं, संस्कार शाला इसको नाम दिया गया। मैं पोस्टर भी आपको दिखाना चाहूँगा, इन्होंने एक बड़ा ही संस्कृति से एक जुड़ा हुआ नाम जो है इनको, जो छोटी सी जो इनकी क्लास है उसको नाम दे रखा है, और सामने एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि श्री राम बार संस्कार सारा गोपालपुर। ये लोग जो है निःशुल्क जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ पढ़ाते हैं भैया आप लोगों को? है बोलो बोलो। हाँ कितने दिन से आ रहे हो आप यहाँ पे? 1-2 साल बताओ, कितना हो गया? 6 साल। 6 साल से आ रहे हो? और कौन कौन आ रहा है यहाँ पे 6 साल से आ रहे हो? कितने दिन से आ रहे हो आप? 6 साल से। हाँ। कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है भैया जब पढ़ाते हैं? हाँ बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या सिखाते हैं? बहुत चीजें। कैसे कैसे कुछ बताओ मेरी। जैसे भी हमें गुना नहीं आ रहे तो हमें अच्छे से एकदम देख देख के अच्छे से समझाते हैं। जब हमें नहीं आता ना वे बोलते हैं जब तक आएगा नहीं तब तक मैं सिखाऊंगा। अच्छा संस्कार बताओ क्या? अच्छा संस्कार इन्होंने नाम दे रखा संस्कार साला। क्या क्या संस्कार सिखाते हैं? बहुत, मम्मी पापा का पैर छूना, और यहाँ पे हमें कैसे व्यवहार करना है, और अपने से बड़ों को आप करके बोलना है। अच्छा घर पे ये सब करते हो जाके? हाँ। और कौन कौन आता है यहाँ पे काफी दिनों से या सालों से है? आ जाओ इधर। कितने साल से आ रहे हो बेटा? इधर आ जाओ। कितने साल से आ रहे हो? मैं 6 साल से आ रहा हूं। 6 साल से आ रहे हो। क्या क्या सिखाते हैं भैया यहाँ पे? यहाँ पे भैया ने पढ़ना सिखाया हमें, और बड़ों का सम्मान करना सिखाया है, आदर सिखाया है, और मतलब यह संस्कार मूसा पान गायत्री मंत्र खाने से पहले ये सब करना चाहिए। आता गायत्री मंत्र? हाँ। सुनाना एक बारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सबको गायत्री मंत्र? सभी लोग। आप कितने टाइम से आ रहे हैं? 6 साल से। 6 साल से। क्या क्या सिखाते हैं भैया? संस्कार की बातें, और मम्मी पापा को प्रणाम करना, सुबह शाम उषा पान करना, और
और मम्मी पापा को रोज सुबह और शाम दोपहर इन टाइमों में नमस्कार करना और पैर छूना। और यहाँ पे आके पढ़ाई भी बहुत कुछ सीख लिए हैं। स्कूल से बढ़िया पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं? स्कूल से ज़्यादा बढ़कर स्कूल से अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए कई बच्चे थे हमारे साथ जो साफ तौर पर बता रहे कि गायत्री मंत्र और संस्कार की भी कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं और माँ बाप की किस तरीके से इज्जत करें, अपने बड़ों को किस तरीके से सम्मान दें, वो भी जो है यहाँ पढ़ाया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि स्कूलों को भी इन लोगों से सीख लेनी चाहिए कि दिल्ली सरकार या फिर निगम के जो भी स्कूल हैं उनमें भी इस तरीके से संस्कारशाला चले तो देश की संस्कृति को भी बचाया जा सकता है। मैं कुलदीप कुमार, AA News, दिल्ली।